रामनगरी अयोध्या में छठे दीपोत्सव की तैयारियां की कवायद तेज हो गई है। इस बार दीपोत्सव में आकर्षण का केंद्र रहने वाली शोभा यात्रा को लेकर भी काम तेजी से हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार 16 शोभा यात्रा उदय चौराहे के पास बने नए आरटीओ कार्यालय प्रांगण से निकलकर साकेत महाविद्यालय से होते हुए दीपोत्सव स्थल तक नगर भ्रमण करते हुए जाएंगी। इसके अलावा सामाजिक संदेश लिए हुए रामायण कालीन दृश्यों की झांकियां निकाली जाएंगी। झांकियां सुबह 9 बजे से निकलेंगी, जो नगर भ्रमण करते हुए 1 बजे तक दीपोत्सव स्थल पहुंचेंगी। वहीं दीपोत्सव में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रामायण कालीन शिक्षा पर आधारित सामाजिक संदेश लिए हुए नगर भ्रमण करने वाली झांकियां होती हैं। इसमें विभिन्न कलाकार एक एक प्रसंग के साथ 11 रथ पर सवार होते हैं। इस दौरान सभी कलाकार अपनी कलाकृति प्रदर्शित करते हुए रामायण कालीन दृश्यों को जीवंत करते रहते हैं। इसके अलावा पूरे देश के विभिन्न जगहों के डांसर रथ के आसपास नृत्य करते हुए चलते हैं, जिसकी जानकारी पर्यटक विभाग के अधिकारी आरपी यादव ने साझा किया। आपको बता दें कि दीपोत्सव में शोभा यात्रा आम जनमानस श्रद्धालु सभी के लिए आकर्षण का केंद्र होती है, क्योंकि कुशल कलाकार अपनी अपनी विधा में प्रदर्शन करते हुए शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। इस बार शोभा यात्रा में 16 रथ शामिल होंगे, जिनमें 11 रथ सूचना विभाग, 5 रथ पर्यटन और संस्कृति विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल का ये पहला दीपोत्सव है। इस बार दीपोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं, जो अयोध्या आ रहे हैं, जिसको भव्य और दिव्य बनाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चालू हो गई हैं। करीब 16 लाख दीप जलाकर राम की पेड़ी पर एक बार फिर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसमें पर्यटन विभाग ने 5 नई झांकियां, उच्च स्तरीय झांकियां बनाई हैं। ये झांकियां जो है पर्यटन विभाग अपनी तरफ से जोड़ेगा और 11 झांकियां सूचना विभाग तैयार कर रहा है, तो इन झांकियों को जो है हम लोग तैयार करवा रहे हैं। वो झांकियां जो है एनिमेशन पर तैयार करेंगे, जैसे कि भगवान राम तीर मार रहे हैं तो लक्ष्मण रावण को तीर लगते हुए देखेगी। लक्ष्मण जी जैसे संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं लक्ष्मण जी के लिए, तो वो सीन एनिमेशन होकर दिखेगी। सुरसा के मुंह से हनुमान जी निकल रहे हैं तो वो भी चलती हुई सीन दिखेगी, जैसे कि एक लाइव दिखता है, उस तरह का होगा। विदेशी मेहमानों को आमंत्रण जो है शासन स्तर से भेजा गया होगा, अभी जब तक कन्फर्मेशन नहीं हो जाता कुछ बता नहीं सकते। पर्यटन विभाग की झांकियां हैं और उधर सूचना विभाग की बन रही है। पर्यटन विभाग की 5 झांकियां हैं और सूचना विभाग की 11 हैं टोटल। अच्छा, ये जो पर्यटन रामायण के कई कालखंड दिखाए गए हैं, बालकांड, आरण्यकाल और रावण वध, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जी। ये आरटीओ ग्राउंड से और रामकथा पार्क तक जाएंगी। लगभग तैयारियां कंप्लीट हैं, 80% काम हो चुका है, फिनिशिंग वर्क चल रहा है। कल 5 झांकियों में मैंने बताया, जैसे काल हैं, सारे रामायण काल हैं, राम जी का जन्म है, बालकांड है उनका, और सीता का हरण है, और आपका जटायु कांड है, रावण वध है, ये सारे कांड हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, और पिछली बार पर्यटन विभाग की 1 झांकी थी, इस बार पर्यटन ने 5 झांकियां बनवाई हैं, तो चीज़ें और विस्तृत हैं और अच्छा है। तैयारी हमारी 80% है पर्यटन की, और बाकी सूचना का कार्य चल रहा है, देख सकते हैं। ट्रायल आप लोग ट्रायल क्या है? अब ट्रायल तो यहीं होना है, जो भी है चीज़ें मूव करके देखी जाएंगी, सही चल रही है नहीं चल रही है, बाकी गाड़ियां तो 23 को ही निकलेंगी।